बात है, एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाने के लिए जाते थे, लेकिन एक एक बेटा कमाता ही नहीं था। ना कमाऊ था, अनकमाऊ था। वे बुढ़िया उन 6 के लिए अच्छी रसोई बनाती, अच्छी रसोई बनाकर उन्हें बड़े प्रेम से खिलाती, लेकिन 7वें बेटे को, जो कि कमाने के लिए नहीं जाता था, उसे बचा खुचा जूठन खिलाती थी। लेकिन वो बड़ा ही भोला था और इसीलिए वो अपने मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। आखिर माँ है, माँ ने जो डाल दिया खा लेता। एक दिन की बात है, वो अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना अधिक प्रेम करती है। तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या खाक प्रेम करती है? वो तुम्हें सभी की झूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो, तो तुम चाहो तो समय पर आकर देख सकते हो कि तुम्हें सबकी झूठन ही मिलती है। 7वें बेटे को पत्नी की बात का यकीन नहीं होता है। वो कहता, नहीं नहीं, मेरी माँ मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती है। बात आई गई हो जाती है। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आता है। बुढ़िया 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाती है। 7वां लड़का ये बात जांचने के लिए सिर दर्द के बहाना करके एक पतला कपड़ा ओढ़कर सो जाता है। देखने लगता है कि माँ आज क्या खिलाती है। माँ ने सभी को अच्छे आसन पर बैठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोस दिए। वो सभी को बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब सभी 6 बेटे उठ गए, तो माँ ने उनकी थालियों की झूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। और फिर वह 7वें लड़के को उठाकर बोली, अरे रोटी खा ले। वो बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, भूख नहीं है। काफ़ी सोच विचार करने के बाद एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी, तो वो अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए, मुझे कुछ निशानी दे दे। पत्नी बोली, मेरे पास तो निशानी देने के योग्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये कहकर वो अपने पति के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों की छाप बन गई। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। तो ऐसा करके पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पति जूतों के गोबर से सने हाथों के छाप को लेकर ही प्रदेश निकल पड़ा। पुत्र के चले जाने के बाद सास ने बहू पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से पूजा और व्रत के बारे में जानकारी ली, तो स्त्रियां बोली, हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं और इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। वो मंदिर में गई, माता के चरणों में लौटने लगी, दुखी होकर विनती करने लगी, हे माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। संतोषी माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी सास नाक सिकुड़ कर कहने लगी, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, ये बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। पत्र और धन आए तो सभी को अच्छा लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मंदिर गई, माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ मैंने तुझसे पैसा कम मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मुझे अपना सुहाग दो। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा के लिए तरस गई हूँ, मैं उनके दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी जा, जा तेरा पति जल्दी ही आएगा। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो? तो वो कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात बताई और अपने घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी और अन्य सामान खरीद कर ले गए। सेठ प्रसन्न हुआ और उसे घर के लिए जाने के लिए आज्ञा दे दी। वो जल्दी ही अपने घर के लिए रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती, रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ ये धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों की 3 ढेरी बना ले, 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे और एक यहाँ पर रख और तीसरा अपने सर पर रख ले।
तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा, और जब वो यहाँ पर रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो और नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। आज मेहमान कौन आया है? इसने माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वो तीसरा गट्ठर उठाकर घर ले आई, चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़ में पानी दे दो, आज मेहमान कौन आया है? ये सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ आ मीठा भात और भोजन कर और कपड़े पहन, गहने पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उससे पूछा, ये कौन है? माँ ने कहा, ये तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए हैं, ये दिन भर घूमती है, काम काज करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे करती है। वो बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, उसी में रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, और उसने उसे चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सारा सामान तीसरी मंजिल के ऊपर वाले कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ठाट बाट वाने बन गए। इतने में अगले माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वो जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़के को जिमने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चे को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना, खटाई जरूर मांगना, इससे उसका उद्यापन टूट जाएगा, व्रत टूट जाएगा। लड़के खड़े हो गए, बोले, पैसा लाओ। वह भोली थी, कुछ समझ नहीं सकी, उसका क्या भेद है, उसने पैसे दे दिए और वो इमली की खटाई मांगकर खाने लगे तो बहू पर माता का कोप हो गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसे की इमली की खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वो मंदिर के बाहर से निकली तो राह में उसका पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू और बेटा माता संतोषी की कृपा से आनंद से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए, जय माँ संतोषी। तो ये थी संतोषी माता की पौराणिक कहानी जो पूजा और व्रत के पश्चात सुनी और सुनाई जाती है। आशा है आपको ये वीडियो, ये कथा अच्छी लगी होगी।